अनुभव को आप लिख नहीं सकते। सच्ची बात तो यही है। जैसे गूंगा व्यक्ति है, गूंगा, उसको कहा कि गुड़ खिलाओ, गुड़, पूछो कि कैसा लगा, क्या बोलेगा गूंगा, क्या बोलेगा, लगा लो अर्थ, क्या बोलेगा भाई गूंगा, तो छोड़ो, हम बोलने वाले से पूछते हैं, ठीक है जी, रसगुल्ला खाया, बोलो खाया, कैसा लगा, कैसा मीठा, अब बताओ, शक्कर जैसा, तो आपने शक्कर खाया कि रसगुल्ला खाया, है? शक्कर कैसे, हाँ गुरुदेव, मैं सुनाता हूं। एक बार जो है भंडारे का निमंत्रण आया और भंडारे के निमंत्रण में एक सूरदास महात्मा थे, वो नहीं गए और बाकी सब लोग चले गए। तो भंडारे में बहुत अच्छी खीर बनी थी, खीर तो आप जानते हैं, दूध पाक, आज खाए, अच्छा गए दिन खाए थे, कल खाए थे, तो लोग खूब प्रसन्न होकर के आए, आकर के कहा कि भाई बड़ा आनंद आया आज भंडारे में चकाचक। तो सूरदास ने पूछा कि क्या खाए, अरे खीर खाए, खीर, बोले खीर क्या होती है, अरे खीर नहीं जानते, नहीं, खीर कैसी होती है, तो उसमें से एक ने कहा कि खीर सफेद सफेद होती है, और कैसी होती है, उसने कहा कि सफेद होती है, सफेद कैसा होता है, उसने कहा कि सफेद नहीं जानते, बोले ना, बोले सफेद बगुला के पंख की तरह होता है, बगुला का पंख, उसने कहा बगुला कैसा होता है, अब क्या बताएगा वो, तो उसने उसका सूरदास का हाथ पकड़ा और उसका हाथ ऐसे टेढ़ा किया, देखो ऐसे है ना, बगुला ऐसा होता है। उसने कहा ओह इसका मतलब खीर ऐसी है, खीर बहुत टेढ़ी है, खीर बहुत टेढ़ी, अच्छा हुआ हमारे गले में उतरती नहीं।